हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले पेट्रॉन के टेंजेंट लाइट इन हाईफी स्पोर्ट्स वायरलेस नेक बैंड के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह से आ जाती है। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है यहाँ पे, एंड पीछे की साइड पे हमें कुछ चीज़ें देखने मिल जाती है, जैसे कि इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के ओर। तो जैसा कि गाइस अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिख करके दिए है, कनेक्टिविटी एडवांस वायरलेस, ट्रांसमिशन रेंज जो है वो 10 mm ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस यानी कि आपको पता है कि अंदर कोई दीवार वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर अंदर कोई दीवार वगैरह आता है तो ये रेंज आपका मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड थोड़ा मतलब डिसकनेक्शन का इशू यहाँ पे हो सकता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो 20 Hz से लेकर के 20 kHz तक आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। ड्राइवर की जो साइज़ है वो लगभग 10 mm की है। टॉक टाइम जो यहाँ पे आपको मिलता है वो लगभग 6 घंटे का मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे। प्लेबैक टाइम जो है वो भी 6 घंटे का मिल जाता है। चार्जिंग वोल्टेज जो है वो 5V 1 Ampere का आपको लगता है यहाँ पे। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 120 mAh की लिपोलीमर बैटरी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। चार्जिंग टाइम जो लगता है वो लगभग 1.5 hours लगता है। एंड जो चार्जिंग इंटरफेस है वो इसका है वो माइक्रो USB, तो माइक्रो USB से भी आप इसे गाइस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी करते हैं इसे कम्प्लीटली अनबॉक्स। साइड में अगर हम देखते हैं तो साइड पे यहाँ पे लिख करके आया है कि टेंजेंट लाइट पेट्रॉन एंड यहाँ पे हाई स्पोर्ट्स वायरलेस नेक बैंड। इस साइड पे भी सेम टेंजेंट लाइट हाई स्पोर्ट्स वायरलेस नेक बैंड पेट्रॉन। तो अभी हम कर लेते हैं इसे ओपन। तो ठीक है, अब करते हैं जरा इसे ओपन। तो यहाँ से जैसा आप देख सकते हो, अभी हम इसे कर रहे हो ओपन धीरे धीरे, एंड ये अब हो चुके हैं कम्प्लीटली ओपन गाइस। तो यहाँ पे नीचे की साइड पे हमें क्या देखने मिलता है, तो नीचे की साइड पे हमें बस एक वायर देखने मिल जाती है, जो कि हम बोल सकते हैं USB है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को जो है वो चार्ज कर सकते हो माइक्रो USB। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें रखते हैं साइड में, इस बक्से को रखते हैं कुछ इस तरह से, एंड अभी इसे निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो जैसा आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें यह गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट देखने मिलता है। एंड जैसा भी आप देख सकते हो गाइस, ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। इसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाता है, यानी ये जो मैग्नेट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जब ये आपके नेक के अराउंड होगा, तो जब ये नीचे ऐसे लटकता रहता है तो ये नीचे नहीं लटकने वाला, ये ऐसे स्ट्रांगली जो है ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग कनेक्शन आपको देखने मिल जाता है। फास्ट पेयरिंग 10 mm की रेंज आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। साथ ही साथ गाइस अगर हम बात करते हैं इसके और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो है ये आता है ब्लूटूथ 5 के ऊपर। तो ब्लूटूथ 5 होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फटाफट कनेक्ट हो जाता है। एंड इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है हाई डेफिनेशन स्टीरियो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे तो यहाँ पे लगता है गाइस। बाद में ये काफ़ी ज़्यादा, ये देखो यार, काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड कम्फर्टेबल भी मुझे लगता है, क्योंकि ये बैंड टाइप एक डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। हाई क्वालिटी प्लास्टिक आप इसे बोल सकते हो। बाद में यहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, प्लस माइनस ऑन ऑफ स्विच आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड ये वाला जो साइड है जिस पे पेट्रोल लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी बैटरी, जो कि लगभग होने वाली है 120 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, जो आपको लगभग देने वाला है 6 घंटे का टॉक टाइम, म्यूजिक प्लेबैक टाइम। एंड साथ ही साथ ये आता है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ। इसके अंदर ही बिल्ट इन माइक है एंड इलास्टिक डिज़ाइन है। तो देखो, ये इलास्टिक डिज़ाइन है बेसिकली, एंड मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो वायरलेस नेक बैंड है एंड ये जो मैग्नेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यार। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो तो सब हम टेस्ट करेंगे, तो वो रिव्यू वीडियो में आ जाएगी यहाँ पे आप सभी के लिए। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसका जो रिव्यू वीडियो है वो भी जल्दी से जल्दी चैनल पर आ जाएगा। तो आई होप अभी आपको ये इसके बारे में पता चल गया होगा। एंड ये जो टच कंट्रोल्स होते हैं ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हेल्प कर सकते हैं अगर आप बाइकिंग वे पे हो तो। मतलब कॉल रिसीव करने के लिए, सॉन्ग नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है गाइस, तो आप सभी के लिए लेके आते हैं रिव्यू वाला वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।